संतों के साथ। छठवीं शताब्दी से हर साल 8 सितंबर को माता कलिसिया धन्य कुंवारी माता मरियम के जन्म का जश्न मनाती है। धर्म ग्रंथ माता मरियम के जन्मदिन का लेखा जोखा नहीं देता है, लेकिन संत जेम्स का अपोक्रिफल पावटो वेजली इस ईसाई भक्ति के विकास को दर्शाता है। आज हम माँ मरियम के जन्मदिवस पर आनंदित हैं और उनके जीवन के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करें, जो मानव जाति के लिए सुंदर उपहार है। वह दाऊद के घराने में पैदा हुई थी और दुनिया के उद्धार के लिए एक माध्यम बने। उसे न्याय के सूर्य के रूप में जी उठे प्रभु येसु का प्रतिबिंब है। अनंत काल से परमेश्वर ने मरियम को उद्धारकर्ता की कुंवारी माँ के रूप में चुना और एक विशेष व्यवस्था द्वारा उसे आदि पाप के दाग से बचाया। पहले से ही गर्भधान के समय वह बेदाग और अनुग्रह से भरी थी। माता मरियम का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। उनका विशेष रूप बेदाग आदि पाप गर्भधान का विशेष अधिकार मिला था। एक बच्चे के रूप में भी वह असाधारण कृपा से सुशोभित थी। संत अल्फोंस लिगुरी कहते हैं, वह एक महान संत पैदा हुई थी। माता मरियम की आत्मा सबसे खूबसूरत आत्मा थी। आज्ञाकारी माँ मरियम नई वर्तमान आदम मुक्ति की माँ है। मरियम के मातृत्व ने हमारे उद्धार की शुरुआत को चिन्हित किया है। माँ मरियम वह महिला है जिसने ध्रुत सांप का सिर कुचल दिया था। उसकी हड्डी से प्रभु येसु और हमारे ख्रिस्त प्रभु, जिन्होंने मृत्यु को हरा दिया और हमें अनंत जीवन दिया। आज का पर्व हमें इस बात पर मनन करने के लिए आमंत्रित करता है कि कैसे माँ मरियम को परमेश्वर के मुक्ति कार्य की योजना में पूरी तरह से दिलचस्पी थी और कैसे उसने पूरी उपलब्धता के साथ उस कार्य में उसके साथ सहयोग किया। माता मरियम परमेश्वर का एक जीवित चमत्कार थी। उसकी घोषणा के लिए उसने हाँ कही और हाँ शब्द को पूर्ण रूप से अपने जीवन में साकार भी किया। वह न केवल येसु की माँ है, बल्कि वह हर मानव जाति की माँ है। धन्य कुंवारी मरियम के इस जन्मदिन पर हमें परमेश्वर के वचन को सुनने, उनकी योजना को स्वीकार करने और हमारी प्यारी माँ की तरह उनकी विनम्र सेवा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। माता मरियम के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ही 8 सितंबर को पूरे भारत में बालिका दिवस मनाया जाता है। हर व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान और ईश्वर का प्रतिरूप बनाया गया है, फिर भी लोग वर्तमान युग में बालिकाओं को हेय दृष्टि से देखते हैं। आइए हम माँ मरियम से निवेदन करें कि जो बालिकाओं में सर्वश्रेष्ठ बालिका है, उनकी मध्यस्थता द्वारा लोग हर बालिकाओं के मूल्य और सुंदरता को समझने व प्यार करने, न्याय और समानता की भावना से हर बालिकाओं की उचित रूप से देख रेख करें और शिक्षित करने में सदैव उनका मार्गदर्शन करें।